हेलो, अब आपको मैं बताऊंगा कि आपको नया ऐप कैसे ऐड करना है। तो सबसे पहले तो आपको फेसबुक खोलना है और इधर आपको मोनेटाइजेशन मैनेजर इसको सेलेक्ट करना है। आपका जो भी फेसबुक का ये पेज खुला हो आपको मोनेटाइजेशन मैनेजर में जाना है। यहाँ पे आपको नीचे जाना है, क्रिएट ये ऑप्शन है प्रॉपर्टी, तो ये यहाँ पे आपको क्रिएट प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्रिएट प्रॉपर्टी पे करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐप का नाम पूछेगा, तो हिंदी ऐप जो भी आपको प्रॉपर्टी का नाम है वो दे देना क्रिएट प्रॉपर्टी। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपका एंड्रॉयड है या आईओएस है, तो एंड्रॉयड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अभी ऐप लाइव नहीं है तो ऐप इज नॉट लाइव और ये करके सबमिट करना है। और यहाँ पे नेटिव बनानी है पहले, बाद में नेटिव बैनर, इंटरसेल बैनर ये बना के मुझे भेज दीजिए, क्रिएट प्लेसमेंट पे कीजिए। वैसे ही सेम प्रोसेस है, आपको मैं करके दिखा देता हूँ। नेटिव क्लिक और नेटिव क्रिएट प्लेसमेंट, यहाँ पे नेटिव लिख दीजिए अगर नहीं हो रहा है तो, क्रिएट प्लेसमेंट ठीक है, ये एक बन गई। ये प्लेसमेंट कॉपी कर लीजिए, ये आईडिया नेटिव है ना, कॉपी नो सेलेक्ट। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है, ऐसे जो भी आपका अकाउंट नंबर पहले से ऐड किया हुआ है। इस तरीके से आप एक आईडी बना ली, दूसरी बनानी है तो देखिए यहाँ पे हिंदी एक बना दिया था ना, इस पर हिंदी एक पे क्लिक करना है ठीक है। यहाँ पे आगे फिर से यहाँ पे आए और क्रिएट प्लेसमेंट, अब आपको बैनर बनानी है तो यहाँ पे बैनर और ये बैनर सेलेक्ट कर लिया और क्रिएट प्लेसमेंट। इस तरीके से ये आईडी वन बनानी है, वापस तीसरी आईडी बनानी है तो फिर से यहाँ पे हिंदी ऐप पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट प्लेसमेंट अब नेटिव बना लेना। ऐसे सभी आईडी बना के लगा दीजिए या मुझे भेज दीजिए ना।